हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर पार्ट वन। सो वेलकम टू फार्मर ऑक्स। टुडे वी स्टडी अबाउट द डिटेल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरियस टॉपिक्स लाइक चिकन पॉक्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ वगैरह जो कॉम्युनिकेबल डिसीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टडी अबाउट द व्हाट इज डिसीज। सो डिसीज इट इज़ ए टर्म फॉर ए एबनॉर्मल कंडीशन दैट इम्पेयर्स द नॉर्मल। तो समझो कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है, ओके, हेल्दी बॉडी, उससे कुछ अलग होता है, एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहेंगे डिसीज। समझो कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री और एलिवेटेड होके हो जाता है समझो कि 40 डिग्री जितना बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो जो वो कंडीशन को हम कहेंगे एबनॉर्मल कंडीशन एंड इट इज़ ए फीवर, ओके। स्किन जो नॉर्मल स्किन होती है उस पर कोई रैसेस देखने को मिलते हैं तो उसको भी हम कहेंगे कोई डिसीज। सो डिसीज कॉज इज द डिसकम्फर्ट, डाइफंक्शन, स्ट्रेस एंड डेथ, डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, सिंड्रोम्स एक्सेट्रा, infections and other unusual variations of the structure. Next is it is also known as called as a infectious disease. Okay, what is communicable disease? तो communicable disease क्या है जिसको हम infectious disease भी कहते हैं, okay, कि जो communication के through फैलती है, okay, मतलब कि one person to another person वो जो है वो फैल सकती है, इसको हम इसलिए उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेज। अदर कम्युनिकेबल डिसीज दैट हैव आल्सो इन द पास्ट कॉज एपिडर्मिक्स अमंग द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय द इमरजेंसी आर मेनिंगोकोकल डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफस। कम्युनिकेबल डिसीज इज द वन दैट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इज कॉज बाय द इन्फेक्शियस एजेंट that is transmitted from source or reservoir to a susceptible host, okay. और infectious disease मतलब कि is the one that caused by infectious agent. So communicable disease जो है वो one person to another person transmit होती है due to the some agent कि जिसको हम कहेंगे infectious agent कि जिसके द्वारा क्या होता है communicable diseases. फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है कि सैल्मोनेला, कोई बैक्टीरिया है कि सैल्मोनेला टाइफी, तो उसके कारण आपको टाइफाइड हो सकता है, ओके, तो दैट इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज। फिर समझो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर है और वो वाटर लेने से सभी को हो सकता है वो डिसीज टाइफाइड या फिर कॉलेरा हो सकता है, तो दिस इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज। सो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट वो समझो कि कोई भी एजेंट है कि जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, तो वो होते हैं रिजर्वायर मतलब कि जहाँ पे कुछ स्टोर होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड ससेप्टिबल होस्ट। सिक्स फैक्टर फर्दरिंग प्रोसेस लाइक एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टर ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टर ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट, कि जहाँ से वो वायरस, बैक्टीरिया, कोई फंगस होता है वो एंटर होता है और कहाँ से वो आउट होगा, मतलब कि बॉडी में आपके एंटर होके वो डिसीज कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड उसका फिर ट्रांसमिशन भी होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस आर लाइक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एनिमल बाइट ट्रांसमिशन और कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मतलब समझो कि मच्छर के काटने से कुछ होता है, ओके, तो एक मच्छर आपको काटता है, ओके, और वो ही मच्छर कोई दूसरे पर्सन को भी जाकर काटेगा तो क्या होगा उसका ट्रांसमिशन डेंगू के अंदर ऐसा हो सकता है, ओके, देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, ओके, इनडायरेक्ट में एयरबॉर्न मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, ओके, जिससे हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होता है, ओके, देन व्हीकल बॉर्न, फॉर्माइट बॉर्न, हैंड बॉर्न एंड वैक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के हम देखेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि आरटीआई, साइनसिस होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन,
airway or lungs related. Usually caused by the virus, most common is a cold. Classification of respiratory infections, upper respiratory tract infection and lower respiratory tract infection. Upper respiratory tract mein 80% of respiratory tract infection involve only the nose, throat, ear and sinus. Okay, so here rehta hai upper respiratory tract ka infection. Next is clinical presentation. Cough is the troublesome in many cases. To uske andar mainly kya hota hai? The most common presentation, it is a child with a combination of painful throat, fever, nasal blockage and discharge and headache. Okay. Causes of URTI, upper respiratory tract infection. तो वो उसके कारण हो सकता है. तो mainly due to the virals infection. In infants, hospital admission may be required, exclude a more serious infection. Okay. So first हम देख सकते हैं chicken pox. Okay. Chicken pox is the mainly communicable disease के 1% to another हो सकता है और उसका causative organism है वो है वेरिसेला. ओके, सो चिकन पॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं किस तरह से हार्ड क्रस्ट, रेड स्पॉट एंड जो ब्लिस्टर्स जो है वो चेहरे पे या फिर अदर बॉडी पार्ट्स पे जो है वो पाए जाते हैं. सो कॉजेटिव एजेंट फॉर चिकन पॉक्स, इट इज़ ए वेरिसेला जूस्टर वायरस, जिसको हर्पिस वेरिसेला जूस्टर कहा जाता है. इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि DNA, इनर प्रोटीन कॉट, कैप्सिड एंड आउटर एनवेलॉप. तो आपको याद रखना है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ए चिकन पॉक्स, इट इज ए वेरिसेला जूस्टर वायरस. सो दिस इज द चिकन पॉक्स वेरिसेला, कि जिसके कारण स्किन सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं. ब्लिस्टर फिल्ड विथ द पस, डैमेज द नर्व एंड नर्व फाइबर्स. ओके, सो इंटरनली ही वो क्या करते हैं, स्किन के अलग अलग लेयर्स को डैमेज करते हैं और उसके कारण स्किन का जो आउटर लेयर है वहाँ पे हमको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं विथ पस. उसके ने और भी सिम्टम्स है कि रेड इची स्किन, रैसेस एंड इंसेक्ट लाइक बाइट्स दैट यूजली अपीयर्स द फर्स्ट ऑन द एब्डोमेन और बैक ऑन फेस. ओके, देन फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, सॉर थ्रॉट, हेडेक एक्सेट्रा जो है वो पाया जाता है. चिकन पॉक्स ये हम देख सकते हैं कि इस तरह से बॉडी पर रैसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर्स विथ अ पस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. ओके, सो मेनली ट्रीटमेंट्स के अंदर वेरियस एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है. देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द डॉक्टर और फिजिशियंस फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट. ओके, so what to do if the chicken pox get worse? Go to the doctor if any these things happen. Okay, spot get redder, warm or painful. Okay, so समझो कि chicken pox बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं तो आपको मेनली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है. ओके, सो what to do, make sure your child drinks lots of fluid, water is the best. Try and stop your child for scratching their skin. मतलब कि जो बच्चों को आदत होती है चिकन पॉक्स में कि वो वहाँ पे स्क्रैचेस कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू प्रिवेंट दैट. कीप योर चाइल्ड्स नेल शॉर्ट एंड क्लीन एंड चेक अदर चिल्ड्रंस फॉर चिकन पॉक्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज, इट इज़ ए मीजल्स. सो मीजल्स इज ए कॉन्टेजियस एंड इफ एन इन्फेक्टेड चाइल्ड कॉफ और स्नीज, the infected droplet spread in the air and may infect the person close to the child. So measles के अंदर क्या होता है कि समझो कि measles वाला कोई child है, उसको समझो कि sneezing होता है, तो sneezing के कारण droplet infections के कारण वो फैल सकते हैं कि sneezing के कारण जो causative organism जो virus वगैरह जो है atmosphere के अंदर फैलता है और वो children के पास जो भी कोई होगा उसको भी measles होने के चांसेस है. सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ए RNA पैरामिक्सो वायरस. RNA पैरामिक्सो वायरस से मीजल्स हो सकता है. सो सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मीजल्स आर ए फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, रनी नोज, सॉर थ्रॉट,
कंजक्टिवाइटिस एंड रेड स्किन रैसेस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग डायग्राम्स के अंदर कि जो चिल्ड्रंस विथ ए मीजल्स को पूरी बॉडी पे इस तरह के रैसेस वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं इन मीजल्स के। इसी के कारण मीजल्स की जो वैक्सीन जो है वो दी जाती है चिल्ड्रंस को टू प्रिवेंट फ्रॉम ए मीजल्स। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट फॉर मीजल्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली टू सपोर्टिव केयर विथ पर्टिकुलर अटेंशन टू द मेंटेनिंग गुड हाइड्रेशन एस्पेशली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। रिसेंटली WHO हैव रिकमेंडेड दैट विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कैन बी गिवन विथ मीजल्स वैक्सीनेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एज अ मीजल्स कॉजेज अ डिक्रीज इन विटामिन ए लेवल। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूँ कि मेनली क्या होता है, मीजल्स की वैक्सीन के साथ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स देने जरूरी है कि जिसके कारण विटामिन ए जो है डिक्रीज होता है इन बॉडी ड्यू टू द मीजल्स। तो मीजल्स की वैक्सीन और साथ में आपको दे सकते हैं विटामिन ए के सप्लीमेंट्स टू कंट्रोल द मीजल्स। सो नेक्स्ट इज द डिप्थीरिया। ओके, सभी आपको याद रखने हैं लेक्चर्स के अंदर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, साइन एंड सिम्पटम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया क्या है? एन इन्फेक्शन ऑफ लोकल टिश्यू ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विथ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स विच कॉजेज द सिस्टेमिक इफेक्ट ऑन हार्ट एंड पेरिफेरल टिश्यू। सो डिप्थीरिया जो ग्रीक वर्ड है, ओके, कॉज बाय एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रोड्स कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये आपको याद रखना है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस प्रोडक्शन ओनली इफ इन्फेक्टेड बाय वायरस फेज इन्फेक्टेड कैरिंग टॉक्सिक जीन्स। सो डिप्थीरिया इज एन एक्यूट टॉक्सिन मेडिकेटेड डिसीज कॉज बाय टॉक्सीजेनिक कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट इज़ अ वेरी कॉन्टेजिनियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल डिसीज। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके मेनली अटैक द थ्रॉट, नोज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि पीपल में एक्सरसाइज एक्सपीरियंस द फैटिक, फीवर, नोजी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हॉर्सनेस और इम्पेयर्ड वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑल्सो कॉमन कफिंग, रनी नोज, स्वेलिंग और स्वॉलम लिम्फ नोड्स। ओके, उसके अंदर और साइन ऑफ सिम्टम हम देख सकते हैं कि सॉर थ्रॉट। ओके, डिप्थीरिया होने के सबसे पहले आपको सॉर थ्रॉट जो है वो पाया जाता है, देन हॉर्सनेस, पेनफुल स्वेलोइंग एंड स्वोलन ग्लैंड्स जो होती है हमारी वो एनलार्ज होती है, मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स इन योर नेक। सो डिप्थीरिया का जो प्रिवेंशन जो है वो बाय होता है वैक्सीन। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन जो है वो जो DPT वैक्सीन आती है, ओके, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस, DPT जो वैक्सीन दी जाती है वो फॉर ए डिप्थीरिया प्रिवेंशन के लिए। ओके, ट्रीटमेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्प्रेड्स इजीली, रिक्वायर्ड ए मेडिकल डायग्नोसिस। ओके, हाउ टू स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे होता है? तो इट इज़ ए एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ एंड स्नीजिंग, सब जो कि किसी को समझो कि डिप्थीरिया हुआ है वो समझो कि स्नीजिंग करता है तो उसके कारण जो उसका वायरस जो है वो सॉरी इसके जो बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैलते हैं और उसके कारण दूसरे पर्सन को उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस है। देन बाय सलाइवा, किसिंग और शेयर्ड ड्रिंक। ओके, सलाइवा के ट्रांसफर से भी डिप्थीरिया होने के चांसेस है। सो डिप्थीरिया का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप, डायग्नोसिस? तो इसके लिए परफॉर्म की जाती है सिक टेस्ट। ओके, सिक टेस्ट इज ए इंट्राडर्मल टेस्ट, द टेस्ट इज कैरिड आउट बाय इंजेक्शन इंट्राडर्मली इनटू द स्किन एट फॉरआर्म 0.2 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन, व्हाइल इनटू द ऑपोजिट आर्म इट इज इंजेक्टेड एज ए कंट्रोल द सेम अमाउंट ऑफ टॉक्सिन विच हैज बीन इनएक्टिवेटेड बाय हीट। उसका प्रिवेंशन के लिए हम देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो मेन है, इम्यूनाइजेशन विद डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स कंबाइन विद टिटेनस एंड पर्टुसिस टॉक्सॉइड, जो हमने अभी बात की कि DTP वैक्सीन, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड पर्टुसिस।
पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर जो है वो मेनली एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट जो हम देख, आप इस तरह से भी कर सकते हो ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक, ओके, देन एंटीटॉक्सिन्स ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्स सीरम, पेनिसिलिन पेरेंट्रली, ओरल इरिथ्रोमाइसिन्स वगैरह जो है वो मेडिसिन्स दी जाती है। ओके, सो जो नॉर्मली जो सॉर थ्रॉट वगैरह में जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है वो आप दे सकते हो, और साथ में वैक्सीनेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट 250 mg यू कैन गिव, ओके, 500 mg इरिथ्रोमाइसिन 4 times a day, ऑल कंटेंट्स आर एडवाइज टू रिसीव, ओके, और 250 mg के ले रहे हो तो आपको 8 times a day लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 years old boy विथ सीवियर डिप्थीरिया, कंजक्टिवाइटिस, फेरेंजियल मेम्ब्रेन, बुलनेक, सीवियर मायोकार्डिटिस एंड ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, नेक्स्ट जो है डिसीज वो है इन्फ्लुएंजा। सो व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? तो इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड एज द फ्लू। ओके, हम कहते हैं कि फ्लू हुआ है, वायरल इन्फेक्शंस हुआ है, इट इज़ ए फ्लू, इसको हम इन्फ्लुएंजा भी कहेंगे। इट इज़ बाय आरएनए वायरस ऑफ द फैमिली ऑर्थोमिक्सो वायरिडे। ओके, ये आपको खास याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ ए आरएनए वायरस ऑफ द फैमिली ऑर्थोमिक्सो वायरिडे। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाली कि द इन्फ्लुएंजा वायरस इज दैस इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द मैनी एनिमल्स बर्ड एंड ए ह्यूमन। सो इन्फ्लुएंजा वायरस आर डिवाइडेड इनटू 3 types, इन्फ्लुएंजा ए इन्फेक्ट्स द ममालंस, इन्फ्लुएंजा बी इन्फेक्ट्स द ओनली ह्यूमन, एंड इन्फ्लुएंजा सी इन्फेक्ट्स द ओनली ह्यूमन। ओके, सो इन्फ्लुएंजा बी सी जो है वो ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? तो उसके होता है फीवर यूजली 100 Fahrenheit टू 103 Fahrenheit इन एडल्ट्स एंड ऑफन इवन टू हायर इन चिल्ड्रंस, देन कॉफ, सॉर थ्रोट, रनी और स्टफी नोज, हेडेक, मसल्स एंड एक्सट्रीम फैटिक। सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी पार्ट्स पे वो इफेक्ट करता है कि जॉइंट्स, सो जॉइंट्स का पेन करता है, मस्क्यूलर एक्सट्रीमली टायर्डनेस, सिस्टेमिक बॉडी पे क्या होता है फीवर, सेंट्रल पे हेडेक करता है वो, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या करेगा कॉफिंग, गैस्ट्रिक जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें वो वॉमिटिंग कोस कर सकता है, एंड नेजोफेरिंग्स के अंदर रनी नोज और स्टफी नोज। सो ये हो सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। दीज आर द अनदर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, सेम ही है, जस्ट हमने डायग्राम जो है वो आपके लिए चेंज किया है कि फीवर, चिल्स, टायर्डनेस, सडन ऑनसेट द हेडेक एक्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। सो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? द इन्फ्लुएंजा इज द स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लिए क्रिएटेड बाय द स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग। ये आपको खास याद रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट इज द प्रिवेंशन? तो वैक्सीनेशन, द फ्लू शॉट एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड वायरस दैट इज गिवन विद ए नीडल यूजली इन द आर्म, देन द नजल स्प्रे फ्लू वैक्सीन इज ऑल्सो गिवन टू द पेशेंट। मेडिकेशंस, तो मेडिकेशन से आप कैसे उसको ट्रीट करोगे? तो एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, मतलब कि जो पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह जो मेडिसिंस जो है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है वो है वूपिंग कफ। सो व्हाट यू मस्ट नो अबाउट द वूपिंग कफ? ओके, सो वूपिंग कफ का जो दूसरा नाम है वो है पर्टुसिस, एन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट वॉज प्रिस्क्राइब बाय सिडेलहम एंड पर्टुसिस, मीनिंग इंटेंस कफ। इट इज़ प्रेफरेबल टू वूपिंग कफ बिकॉज मोस्ट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट वूप।
सो उसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म खास आपको याद रखना है कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस इज द कॉज ऑफ द एपिडेमिक. बॉर्डेटेला पर्टुसिस इज द कॉज ऑफ एपिडेमिक पर्टुसिस कॉज ऑफ द स्पोरेडिक. देन बॉर्डेटेला पैरा पर्टुसिस, ओके ये आपको याद रखने के ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिली है, ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिली. नेक्स्ट पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके द डिसीज अकर्स 3 to 12 फ्लोर टू एन इन्फेक्शन. नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जो है बाय द इसकी ट्रीटमेंट में आपको मेनली जो है वो गोल्स ऑफ थेरेपी आर लिमिट द नंबर ऑफ पैरामिक्सिम्स, ओके वेरियस मेडिसिन्स जो है वो दी जाती है. सो हाउ टू ट्रीट इट, द हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है पेशेंट को, ओके और एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब की भी जाती है, ओके सो एंटीबायोटिक थेरेपी आर यूज इन ए इन्फ्लुएंजा. सो कैन सॉरी इन पर्टुसिस इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द डीटीपी वैक्सीन, ओके डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टीटेनस जो डीटीपी वैक्सीन है उससे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स, इट इज ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो व्हाट आर द सिम्टम्स, ओके सो ड्राई कॉफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सोर थ्रोट, रनी नोज, हेडेक, ओवरऑल डिस्कम्फर्ट, मसल पेन, चिल, सीवियरिंग एक्सेट्रा आर द साइन. देन हाई फीवर ग्रेटर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो सार्स के जो सिम्टम्स है टू लुक आउट फॉर सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, ड्राई कॉफ, चिल्स एंड सीवरिंग, मसल एक्ने एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ओके सो दीज आर द सिम्टम्स. व्हाट आर द पैथोजन्स, इन्फेक्शियस एजेंट इट इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस, ओके सो ये पूछा जा सकता है कि सार्स डिसीज किसके कारण फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या एनी अदर. तो वायरस किस कारण होता है, सार्स जो है वो वायरस के कारण होता है. पैथोजिनेसिस में हम देख सकते हैं कि ट्रांसमिटेड थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टामिनेटेड एयर एंड सर्फेसिस, वायरस इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, तो PCR टेस्ट, सेरोलॉजिक टेस्टिंग एंड वायरल कल्चर, ओके सो आपको जस्ट नाम याद रखने हैं कि आप PCR टेस्ट करवा सकते हो, सेरोलॉजिक टेस्ट एंड वायरल कल्चर. ट्रांसमिशन क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कॉफ एंड स्नीजिंग, इफ ए पर्सन टचेज ए कॉन्टामिनेटेड सर्फेस एंड देन टचेज देयर आई एंड माउथ और नोज, ओके उसकी ट्रीटमेंट कैसे करो भाई, तो नो यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट फॉर SARC, ओके कैन इजिली बी कन्फ्यूज विथ अदर लंग रिलेटेड इलनेस. सो पेशेंट आर यूजली गिवन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एजेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी, सपोर्टिव केयर. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि रिक्वायर द इंटेंसिव केयर एंड ऑब्जर्वेशन, कि समझो कि कई बार उसकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो आपको पेशेंट को ICU के अंदर भी एडमिट करना पड़ता है. व्हाट आर द प्रिवेंशन, ओके सो गुड हाइजीन, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा जो आप यूज़ करते हो, समझो कि आपको बॉडी पूरी कवर हो उस तरह से भी आप कपड़े पहनो तो भी उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स. इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर दिस टॉपिक्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन ए पार्ट सेकंड अबाउट दिस कम्युनिकेबल डिसीजेस. So good luck and all the best.